तेजाजी चौक से विशाल रैली एवं उपखंड कार्यालय के बाहर जोधपुर में हो रही सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन बिजोलिया भाजपा मंडल द्वारा आयोजित किया गया। भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी ने बताया कि विशाल धरने को संबोधित करते हुए डॉक्टर सतीश पूनिया ने कांग्रेस सरकार पर एक संप्रदाय विशेष को पोषित बहुसंख्यक समाज को हतोत्साहित कर प्रदेश की गंगा जमुना तहजीब को बिगाड़ने का आरोप लगाया। कार्यक्रम को जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली, विधायक गोपाल खंडेलवाल, मेजबान बिजोलिया मंडल अध्यक्ष मनोज गोधा ने भी संबोधित किया। धरने के पश्चात उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद उपसभापति रामनाथ योगी, पूर्व विधायक बद्री प्रसाद गुरुजी, जिला महामंत्री मुरलीधर जोशी, वेद प्रकाश खटिक, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष कुलदीप शर्मा, ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष राजेश सेन सहित कई कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी उपस्थित रहे। संचालन जिला उपाध्यक्ष संजय धाकड़ ने किया। मेरा ख्याल नेक नहीं है अशोक गहलोत सरकार के प्रति, कांग्रेस के प्रति, क्योंकि 40 महीनों में राजस्थान में ऐसा लगता है कि कानून का राज खत्म हो गया। 7 लाख से भी ज़्यादा FIR हुई, महिलाओं और दलितों पर अपराध बढ़े और इसी तरीके से लगातार एक के बाद बहुसंख्यक लोगों पर जिस तरीके से हमले हुए वो अशोक गहलोत की वोट बैंक की तुष्टिकरण की राजनीति का सीधा सीधा प्रतिफल है। करौली से लेकर जोधपुर की तमाम घटनाएं ये संकेत करती हैं कि अशोक गहलोत जी PFI से प्रेम करते हैं और बहुसंख्यक लोगों को धुतकार करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, और इसलिए बहुसंख्यक लोग अपने अधिकारों के लिए, मानवाधिकारों के लिए, अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए स्वतंत्र हैं। और इसलिए पूरे राजस्थान भर में, क्योंकि मैंने मुख्यमंत्री जी का बयान देखा, उन्होंने कहा कि छोटे मोटे दंगे होते हैं, मुझे लगता है कि जोधपुर की घटना भी यदि उनकी नज़र में, जहाँ से वो खुद विधायक हैं, इस प्रदेश के गृह मंत्री हैं, ये जितने वीडियो देखे मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और पब्लिक डोमेन में जितने सारी सूचनाएं आई हैं, वो हृदय विदारक हैं, आंखें खोलने वाली हैं। किस तरीके से निर्दोष बच्चों पर चाकूबाजी हुई, पथराव हुआ, तलवारबाजी हुई, तो राजस्थान जैसे शांतिपूर्ण प्रदेश में इस तरीके का दृश्य पैदा करना, ये सरकार की नाकामी और कमजोरी है। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें पुलिस के ऊपर जो अपराधी हैं वो लाठी चलाते हैं, यानी अपराधियों की बजाय पुलिस पर लाठी चलती है, वो सरकार के इकबाल खत्म होने का एक संकेत साफ तौर पर नजर आता है। आज राजस्थान भर के उपखंड पे जिलों में पार्टी ने जोधपुर घटना को लेकर अपना प्रतिरोध दर्ज करवाया है। संयोग से मैं यहाँ था और बिजोलिया के उपखंड में मैंने जिलाध्यक्ष जी और विधायक महोदय के साथ में ये ज्ञापन मैंने प्रस्तुत किया है और ये गुजारिश की है उपखंड अधिकारी से कि इसको राज्यपाल महोदय को इसको प्रेषित करें।